वात दोष के पहले भाग में हमने देखा वात दोष क्या है, उसके शारीरिक व मानसिक लक्षण और कारण। पार्ट वन अगर मिस हुआ हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं दूसरी भाग की तरफ। इस वीडियो में हम वात दोष को कैसे बैलेंस्ड रखें इसके आसान तरीके देखेंगे और साथ ही साथ आहार को कैसे लेना है और कौन सा नहीं लेना है और कुछ नैसर्गिक घरेलू दवाइयाँ यानी कि नेचुरल होम रेमेडीज़ के बारे में जान लेते हैं। अनाज में हम क्या खा सकते हैं। अनाज में ज़्यादातर मीठा, आसानी से पचने वाला, अच्छा सा पका हुआ खाए, ना कि बाहर से ड्राई रफ, पचने में भारी। अनाज में आप सभी प्रकार के चावल, गेहूँ, किनोवा, ओट्स ऐसे खा सकते हो। अनाज में आप जो मकई, बाजरा ऐसे बिल्कुल भी कम मात्रा में या तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। अब देखते हैं दालों में हम क्या खा सकते हैं। जो दालें जल्दी से कम समय में पक जाए ऐसे हम चूज़ करें, जैसे कि मसूर, मूंग, सोयाबीन, तूर दाल, उड़द दाल ऐसे आपको लेना है। और बिल्कुल भी नहीं या तो कम खा सकते हो ऐसी दालें हैं ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स और राजमा, सफ़ेद राजमा जो होता है वो, चना दाल। अब जान लेते हैं सब्जी में क्या खा सकते हो। उसमें ककड़ी, मूली, चुकंदर, मटर, हरी मिर्च और शकरकंद खा सकते हो, जैसे कि ज़मीन के अंदर उगने वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और खाने में आपको कम मात्रा में या तो अवॉइड करना है वो वेजिटेबल्स है बैंगन, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, फूल गोभी। फलों में आप मीठा फल खा सकते हो, ना कि खट्टे फल आपको खाना चाहिए। और फल खाने का समय भी तय होना चाहिए, या तो 30 मिनट्स पहले खाना खाने के पहले लेना चाहिए या तो खाना खाने के बाद एक घंटे बाद लेना चाहिए। फलों में आप पका हुआ केला, एप्पल, पपाया और मैंगो भी ले सकते हो। खट्टे फल आपको अवॉइड करना है। अनार, पेर और जैसे कि आपको कच्चा केला अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको पाउडर्ड मिल्क और फ्रोजन योगर्ट यानी कि जमा हुआ फ्रिज में से दही आपको अवॉइड करना है। आप बाकी का दूध, उबला हुआ दूध और गाय का दूध, घी ऐसे सब ले सकते हो, चीज़, पनीर भी ले सकते हो। नट्स एंड सीड्स सभी पौष्टिक होते हैं, लेकिन पचने में भारी रहने के कारण वो स्मॉल क्वांटिटी में आप ले सकते हो। मसाले के पदार्थों में आपको लाल मिर्च, मेथी दाने, नीम के पत्ते ऐसे अवॉइड करना है। और उसमें से लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, लहसुन, धनिया ये सब आप आसानी से ले सकते हो। अब देखते हैं वात दोष के गुण के अनुसार उसको बैलेंस्ड कैसे रखा जाए, इसीलिए पांच इम्पॉर्टेंट टिप्स। वात का गुण होता है ड्राइनेस। उसको बैलेंस्ड रखने के लिए डाइट में से और साथ ही साथ ऊपर से भी शरीर को मॉइस्चराइज्ड यानी कि नमी बनाए रखना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है खाने में स्निग्ध हेल्दी फैट वाली चीज़ें खाएं। उसमें से सर्वप्रथम आयुर्वेदा में सबसे अधिक महत्व घी और जैतून के तेल को दिया है। ऊपर से नमी रखने के लिए आपको रेगुलर ऑयल मसाज, सिर में ऑयल का मसाज करना, सोने से पहले पैरों को, तलवों को अच्छे से मसाज करके सोना, ये टिप आप ध्यान में रख सकते हो। दूसरा गुण है वात दोष में ठंडापन रहता है, तो उसे बैलेंस्ड रखने के लिए ताज़ा गर्म खाना खाएं, हल्का गर्म पानी आप पी सकते हो। वात प्रकृति में हल्कापन रहता है, इसीलिए जितना हो सके मिट्टी से जुड़े रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि घास, मिट्टी, रेत पे नंगे पैर चलें।
सुबह की जो सूर्य किरणें आती है उसकी आपको 20 to 30 minutes आपको धूप लेना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में आता है वात की प्रकृति गतिशील होने के कारण इसको स्थिरता प्रदान करने वाली चीज़ें हम करें, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, स्लो लिविंग। अब हम देखते हैं कि नेचुरल होम रेमेडी से इसको कैसे बैलेंस्ड रखा जाए। पहला जो आता है वो हल्दी, मेथी और सौंठ का पाउडर बनाकर आप गरम गुनगुने पानी में मिलाकर एक ग्लास आप पी सकते हो। दूसरा जो आता है वो लहसुन की कलियां, इनको आपको 102 कलियां आपको खाली पेट लेना है। तीसरी रेमेडी जो है वो है लौकी का जूस आप पी सकते हो। फ्रेश एलोवेरा जूस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी फ़ायदेमंद रहता है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आप रात भर रख के सुबह उसको पी सकते हो। इसमें से आपको कॉपर भी फुलफिल होगा बॉडी में और बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो कि सभी के किचन में आसानी से अवेलेबल रहता है, वो है दालचीनी का पाउडर। इसको आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो, एक ग्लास में आधा चम्मच मिला के आप सुबह शाम ले सकते हो। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई भी वात दोष के बारे में आपको कोई क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पित्त दोष के बारे में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।